हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस और हमारे यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर ऑटोमेटिक मिड रोल कैसे ऑन कर सकते हो, तो दोस्तों उस वीडियो पर काफ़ी व्यूवर ने कमेंट किया मुझसे कि सर ये बताए कि हम अपने वीडियो पर मिड रोल ऐड कैसे ऑन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से आप अपने वीडियो पर ऑटोमेटिक मिड रोल कैसे ऑन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और गूगल में आपको यूट्यूब सर्च करके आप अपने यूट्यूब अकाउंट से यहां पर लॉगिन आपको हो जाना है। जैसे कि यहां पर मैं अपने यूट्यूब अकाउंट से लॉगिन हो रहा हूं, ऐसे ही आपको अपने यूट्यूब अकाउंट से लॉगिन यहां पर हो जाना है। और सिंपली आपको एक काम और क्या करना है, सिंपली आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में थ्री डॉट पर यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट का। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, इस वाले आइकन पर। इसे करने से क्या होगा, जो आपका स्क्रीन है वो कंप्यूटर जैसा शो हो जाएगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा YouTube स्टूडियो बीटा का, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने स्टूडियो बीटा प्रॉपर ओपन हो चुका है। उसके बाद साइड में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, सिंपली आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपकी सभी प्रकार की वीडियो शो हो जाएंगी जो अब तक अभी आपने अपलोड की हुई है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से क्या करना है, ये आपकी यहाँ पर ये वीडियो रही, इसमें से आपको एक वीडियो सेलेक्ट करनी है जिस पर आप मिड रोल ऐड लगाना चाहते हो। दोस्तों याद रहे, जो आपका मिड रोल ऐड है, ऑटोमेटिक मिड रोल ऐड, वो आपकी वीडियो कम से कम 10 मिनट की होनी चाहिए। 10 मिनट से ऊपर हो तो अच्छा है, लेकिन 10 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए, तभी आप ऑटोमेटिक मिड रोल ऐड लगा सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर मैं ये वीडियो ले लेता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल वाली, ये 14 मिनट 5 सेकेंड की वीडियो है, 10 मिनट से ऊपर है। तो सिंपली आपको वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें सर्चिंग में। तो दोस्तों उसके बाद आपको करना क्या है, ये आपकी वो 14 मिनट वाली वीडियो ओपन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको थोड़ा स्लाइड करना है। उसके बाद यहाँ पर एक डॉलर का आपको एक ऑप्शन मिलता है, साइन का मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है ये, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है डॉलर वाले साइनर पर। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ड्यूरिंग वीडियो का, सिंपली आपको ड्यूरिंग वीडियो वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर मैनेजर वीडियो का ऑप्शन, मैनेज इन एडिटर वीडियो का ऑप्शन ऑन हो जाता है। सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर मैनेज इन एडिटर पर क्लिक करना है, उसके बाद लीव पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होता है, उसके बाद आपको नीचे स्लाइड करना है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपको लाइन का ऑप्शन मिलेगा, वैसे तो ये स्टार्टिंग में मिलता है दोस्तों, फिर मेरे हाथ इधर उधर से लगने से ये इधर उधर हो चुका है। तो सिंपली आपको एक लाइन सी मिलेगी, सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको ये एक मिनट पर रखना है दोस्तों, यहाँ पर आपका टाइम शो होता रहेगा, आपको यहाँ पर चेक करते रहना है। सिंपली सबसे पहले आपको इसको एक मिनट पर रखना है, क्योंकि जो भी व्यूअर आपकी वीडियो देखता है, सबसे पहले एक मिनट तो कम से कम वो देखता है आपकी वीडियो। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, जैसे आप इसको एक मिनट पर सेट कर देते हो तो सिंपली आपको एक ऐड ब्रेक का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर ब्लू से कलर का यहाँ पर एक साइन आ चुका है, यहाँ पर आपकी ऐड वो लग चुकी है। उसके बाद दोबारा से आपको इस लाइन को अपने हाथों से ड्रैग करना है और उसको दोबारा से आपको, जैसे वो आपको एक मिनट में लगाया था, ये आपको 2 मिनट 30 सेकंड पे लगाना है। उसके बाद दोबारा ये 2 मिनट 30 सेकंड पे सेट करके उसके बाद आपको ऐड ब्रेक पर क्लिक कर देना है। आप देख रहे हैं कि दोबारा से यहाँ पर जो ऐड है, मिड रोल ऐड दोबारा से लग चुके हैं। उसके बाद हमें 1 मिनट पर, उसके बाद 2.5 मिनट पर, उसके बाद हमें लगाना है ये 4 मिनट के आसपास। कम से कम हमारी 10 मिनट की वीडियो है तो हमें कम से कम इसमें 5-6 मिड रोल ऐड लगा देने हैं।
इससे क्या होगा दोस्तों, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रोल ऐड लगाएंगे तो हमारी अर्निंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से ऐड ब्रेक का आपको करना है, उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस करके आपको मेट्रोल ऐड यहाँ पर लगाने हैं। उसके वजह से हमें एक मिनट पर लगाया तो उसके बाद ढाई मिनट पे, उसके बाद चार मिनट पे, उसके बाद मैं इसका लगा देता हूँ छः मिनट पर। आपको थोड़ा डिस्टेंस करके मैं सात मिनट पर लगा देता हूँ। आपको चार पांच ऐसे, आपको दो दो चार छः ऐड ऐसे आपको लगा देनी है। उसके बाद मैं यहाँ पर नौ 38 सेकंड यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद मैं फाइनल एक लास्ट लगाऊंगा मैं यहाँ पर, उसके बाद 12:24 पर मैं यहाँ लगा देता हूँ। ऐसे ही आपने पाँच छः अपनी वीडियो के साथ, अगर आपकी 10 मिनट की वीडियो है तो आप 4 या 5 मेट्रोल ऐड यहाँ पर लगा सकते हो। इसके बाद ये सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों सेव का, ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा सेव का। सिंपली आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक यहाँ पर कर देना है। वो आपकी ऐड यहाँ पर लग चुकी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर येलो कलर का कुछ इस तरह से साइन यहाँ पर ओपन हो चुका है, मतलब कि यहाँ तक हमारी जो लास्ट जो ऐड थी वो यहाँ पर लग चुकी है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। आप भी ऐसे अपनी मेट्रोल ऐड लगा सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।